हमारे पास है वीवो का Y200 5G जो अभी लैमिनेटेड है, और उसका मॉडिफिकेशन करके हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट बनाने वाले हैं। सबसे पहले लैमिनेशन को निकालेंगे, जो बहुत ही आसान होता है। लैमिनेशन में आप लोग देख सकते हो कि जो वर्क किया गया है वो बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है, और आपको पता चल गया कि लैमिनेशन यहाँ पर क्यों किया गया था, क्योंकि इसका बैक ग्लास जो है वो टूटा हुआ है। जब मैंने ये फ़ोन के लिए टीयर डाउन वीडियो बनाया था, उसी दिन शाम को मेरे से ये बैक ग्लास टूट गया था। अब हम लोग इस फ़ोन की जो बैक ग्लास है उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हीट किया, ज़रूर पड़े तो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फटाफट से जो है वो बैक ग्लास रिमूव हो जाएगा। बैक ग्लास रिमूव हो जाने के बाद जो इसकी बॉर्डर है, वो बॉर्डर के जो ग्लू है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं दिखाया है। और इस तरह से ये बॉर्डर को मैंने एकदम क्लीन कर दिया। अब ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोग एक प्लास्टिक ले रहे हैं। इस प्लास्टिक को बैक पैनल की साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने काट लिया है। अब उसके ऊपर रख कर हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये परफेक्ट फिटिंग हो रही है, लेकिन कैमरे का जो दो कैमरा है वहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा है उसको भी काटना पड़ेगा, और ये वाला जो प्लास्टिक का हिस्सा है उसको भी निकालना पड़ेगा। ये जो बैक ग्लास है उसमें ये जो कैमरा ग्लास की जो असेंबली है वो सैंडविच टाइप की है, कि जिसमें पूरा बैक ग्लास जो है वो बीच में आता है। तो इसमें दो लेयर के बीच में बैक ग्लास लगा हुआ है, तो पहला लेयर हम लोगों ने इसको निकाल दिया है, दूसरा लेयर हम लोग जो है वो निकालने को जा रहे हैं। सेम प्रोसेस है, ग्लू है उसको हीट कर रहे हैं, लिक्विड लगा रहे हैं, और वो आसानी से जो है अपनी जगह से निकल रहा है। हम लोगों को अब ब्लैक ग्लास की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ये कैमरा जो ग्लास है प्रोटेक्शन उसकी ज़रूरत है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दो लेयर के बीच में बैक ग्लास था, बैक ग्लास को निकाल दिया। अब दोनों लेयर को मिक्स करके अब हम लोग कैमरा को ऊपर रख कर इसको देखेंगे, चेक करेंगे। ये इस तरह से दिखता है। अब हम लोग प्लास्टिक को रख कर जो कैमरे का हिस्सा है उसके लिए जगह बनाने के लिए उसको काटेंगे। तो पहले सिर्फ जो है वो मार्क कर लेते हैं। दोनों कैमरा के जो है मार्क कर लेने के बाद उसको काट लेंगे, और ऊपर छोटा सा होल है जहाँ पर वो कैमरा ग्लास जो है अटैच होता है, और इस तरह से रख देने के बाद हम लोगों ने ये चेक किया कि यहाँ पर ये परफेक्ट फिटिंग हो रहा है। तो प्लास्टिक को लगाने के लिए बॉर्डर टू बॉर्डर हम लोग ग्लू लगा देंगे, जिसे प्लास्टिक जो है वो आसानी से उसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। प्लास्टिक लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर बैक ग्लास आप लोग बिगाड़ना नहीं चाहते हो और ट्रांसपेरेंट लगाना चाहते हो तो प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। कैमरा ग्लास असेंबली को भी हम लोग ग्लू से ही ऊपर लगाएंगे, और इस तरह से लगाने से डस्ट भी अंदर नहीं जाएगी। और इस सिस्टम को हम लोगों ने आधे घंटे तक सूखने दिया, और सूखने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है। और भी रिज़ल्ट हम लोग देखेंगे, इसकी जो ऑरा लाइट है वो ऑन करके चेक करेंगे कि फ़ोन कैसा दिखता है बैक पैनल से। तो इस तरह से जो है आप लोग देख पा रहे हो कि ये फ़ोन जो है वो दिख रहा है। अब हम लोग
इसका जो प्रोटेक्शन है कवर, उसको भी लगा कर देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। परफेक्ट फिटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रिज़ल्ट मिला है हम लोगों को। इसमें भी हम लोग जो है वो और रिंग लाइट को चालू करके चेक करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो अगर फ़ोटोग्राफी करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये कंप्लीट है। और इस तरह से हम लोग जो है वो फ़ोन का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू सो मच।